नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। कश्मीर में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह बड़ा कदम उठाते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह 15 अगस्त को श्रीनगर की यात्रा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर की ये पहली यात्रा होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्यालय में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने अमित शाह की श्रीनगर यात्रा को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो इस समय घाटी में मौजूद है, 15 अगस्त के दिन लाल चौक पर मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली में मौजूद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अमित शाह की श्रीनगर संभावित यात्रा है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस यात्रा की तारीख के बारे में अभी मीडिया को जानकारी नहीं दी जा सकती। अमित शाह अगर श्रीनगर के लाल चौक पर 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराते हैं तो यह एक ऐतिहासिक मौका होगा। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1992 में जब वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, उस समय वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर श्रीनगर के लाल चौक पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। उस समय पाकिस्तान समर्थित कई आतंकवादी संगठनों ने तिरंगा फहराने को लेकर धमकी दी थी, लेकिन धमकियों के बावजूद नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी ने यह साहस दिखाकर तिरंगा फहराया था। 1948 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी लाल चौक पर झंडा फहराया था। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।